हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे पासपोर्ट साइज फोटो के लिए जो लिफाफा होता है वो कैसे बनाएं। अगर आप किसी को फोटो बना के देते हैं पासपोर्ट साइज का, तो वो छोटा जो इन्वॉल्व जो आता है उसे आप घर पे बना सकते हैं, जो फालतू का कागज है। तो इस वीडियो पे आपको पूरा बताएंगे, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको चार चीज जरूरत है। सबसे पहले आपके पास कैंची होना चाहिए या फिर कटर है तो उससे भी आप काम कर सकते हैं। पहला आपका ये चीज हो गया, दूसरा आपका गोंद हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं गोंद है, और तीसरा आपके पास एक स्केल होना चाहिए, और ये आपका जीरोक्स वगैरह जो फालतू का पेपर आपके पास पड़ा होगा, जरूर पड़ा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का पेपर होना चाहिए। तो चार चीज हो गया, ठीक ना। आपको क्या करना है, इसका जो इधर जो होगा ये इनको आप तीन भाग कर लीजिएगा, ये पेपर जो है आपको तीन ठो बन जाएगा इसमें। तो आपको कैसे करना है, आपको देखिए यहाँ पे 14 यहाँ पे जो mm है, यहाँ पे देखिएगा इधर, यहाँ पे ये जो mm है आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो mm है ये आपका 14 लीजिएगा, यहाँ तक देखिए 14 है ना यहाँ पे। तो आपको हमेशा यहाँ पे इतना तक आपको, यहाँ पे देखिए ये जो इन्वेलप है पहले से हम बना लिए हैं, तो आपको ये 14 होना चाहिए। देखिए ये 14 और इधर 10, ये 10 देखिए। तो आपको इस तरह यहाँ पे एक से ये जो है आपको तीन भाग ये कर लेना, ये जो पेपर है ये तीन भाग हो जाएगा। तो आपको ऐसा करना है, इस पेपर को आप इस तरह लंबाई जो है 10 नाप लीजिएगा, जो mm है देखिए यहाँ पे mm दिया गया है, ये देखिए mm दिया हुआ है आपको, यहाँ पे इस तरह 10 देना है यहाँ पे, और इतना कटिंग कर लेना। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी देखिए इतना 10 हुआ, इतना यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे इस तरह ये देखिए इतना इस साइज का आपको इतना कटिंग कर लेना है, ये 10 साइज का देखिए, मैं यहाँ पे इतना कटिंग कर लूँगा, इस तरह पूरा मोड़ लेना है, ठीक। यहाँ पे मोड़ने के बाद सिंपल इसे यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे इस तरह। आपको कटिंग देखिए पासपोर्ट साइज का जितना आप लोग इन्वेलप बनाते हैं ना, तो आप अपने फालतू का जो पेपर है उससे भी आप बना सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। ये हो गया, देखिए अब आपको क्या करना, ये A4 साइज का पूरा पेपर था, देख सकते हैं इसको हम कटिंग कर दिए। अब इसको ऐसा नापना है 14, इधर तो 10 है, यहाँ पे देखिए आपको दिखाते हैं जो mm दिया हुआ था, हम बार बार आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे mm दिया हुआ, ये आपका इधर 10 हो गया, और इधर आपको लंबाई जो है आपको 14 यहाँ पे, ये देखिए ये 14 यहाँ तक आया, यहाँ तक इस रखना है और इतना मोड़ देना है, ठीक 14 तक, ये देखिए हमने मोड़ दिया इतना, और इतना हम कटिंग कर देंगे। तो ये जो है मेन चीज अब निकल गया, इधर आपका हो गया, इधर हो गया 14, ये देखिए 14 हो गया इधर, और इधर हो गया 10। तो आपको क्या करना है, ये जो लंबाई इधर है इस तरह पकड़ना है, लंबाई देखिए इधर 14 है ये 10, आपको इसे इस तरह आपको यहाँ पे ये मतलब हल्का जिसे आप जिस पर ये जो है इस तरह पकड़िएगा। आप देखिए मेन चीज यही है, आपको यहाँ पे इस तरह पकड़ना है और इसको तीन भाग करना है, देखिए यहाँ पे 1 2, इस दोनों इस सिरा को सटा दीजिएगा, डायरेक्ट इस तरह आपको पकड़ना है, और इस सिरा हल्का सा मतलब इसके ऊपर आना चाहिए, देखिए ये जो है सिरा है ये बराबर हो गया, ये देखिए बराबर हो गया, इसके ऊपर मतलब हल्का सा इसे चढ़ना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि उसमें गोंद देंगे उसमें आप सटेगा। इस तरह आपको मोड़ देना है, ये पूरा मोड़ दिए, देखिए पूरा मोड़ दिए इतना, आपको इस तरह से नाखून से इस तरह हल्का सा प्रेस कर देना है, क्योंकि ये बढ़िया से हो जाए, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, हल्का सा इधर भी आपको इस तरह इतना हल्का सा इतना इधर कर दीजिएगा, ये कितना होगा लगभग, हमको लग रहा है आधा mm होगा भी नहीं। तो आप ऐसा करें, आप 1 mm इसे मोड़ सकते हैं, ठीक ना, 1 mm इधर मोड़ दें और 1 mm इधर मोड़ दें, हल्का हल्का आप देखिएगा आपके पास जितना इन्वॉल्व होगा। इतना मोड़ने के बाद आपको इस तरह पूरा कर देना है, और इसके बाद फिर से आपको पूरा इस तरह खोल लेना है, ये पूरा खोल के देखिए इतना क्या करना है, यहाँ से इतना कटिंग करना है, इतना कटिंग करना है, इधर कटिंग करना है, इधर कटिंग करना है, और छोड़ देना। अब आपको हम कटिंग करके दिखाते हैं फटाफट। तो देखिए यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, ये जो है इतना कटिंग कर दिए, ये आपको कटिंग यहाँ से हटा देना है, फिर आपको इधर कटिंग करना है, फिर आपको ये इधर कटिंग कर देना है, इतना हो गया, फिर आपको इधर कटिंग करना है, फिर आपको इधर कटिंग यहाँ तक कटिंग कर दीजिएगा इस तरह, देखिए फिर आपको इधर कटिंग करना है, और फिर आपको
इधर कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद देखिए इस तरह कटिंग हो गया, इधर इधर चारों तरफ कटिंग करिए। आप ई जो है हल्का सा इसको हल्का सा राउंड शेप कर दीजिएगा, यहाँ से एक तरफ करना है ये, इसे मान लीजिए इधर जरा सा इस तरह कर दिए और यहाँ पे जरा सा हम राउंड शेप कर देंगे, इसको ऊपर रखना है। तो ये देखिए हमें जरा सा इसको हल्का सा राउंड शेप कर दिए, देखिए हल्का सा राउंड शेप कर दिए, अब हो गया ये देखिए मेन चीज हो गया। अब आपको इस तरह रखना है, इस तरह रखना है, इस तरह बस गोंद दे देना है और ये आपका मेन चीज हो गया। तो आपको यहाँ पे इसमें गोंद दे दीजिएगा, यहाँ पे इधर गोंद दे दीजिएगा और इधर गोंद दे दीजिएगा, यहाँ पे गोंद देने के बाद इस तरह हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद इस तरह गोंद देके ये देखिए आपका इधर इन वाला गोंद, इसको जितना आप बढ़िया से राउंड कीजिएगा उस तरह आपको देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो इसको बढ़िया से आप राउंड कर दीजिएगा इस तरह, देखिए और इधर भी जरा डिजाइन कर दीजिएगा, ठीक है ना। हड़बड़ी में मेरा आपको बता दिए, तो इस तरह बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर दीजिएगा, इस और भी टेक्निकल वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटे साथ बजा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।